वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, तो चलिए वैक्सीन काम कैसे करती है उसके बारे में समझ लें। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज वैक्सीन, वैक्सीन है क्या, ये बहुत दिमाग में आता है लोगों के, तो मैं आज आपको ना आसान शब्दों में समझाता हूं। आपने रामायण पढ़ी है, पढ़ी होगी रामायण में, जो कि हमारे ठीक है सुना होगा रावण राम, तो आज के समय में कोरोना हमारे लिए रावण है, जरा समझिएगा। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूं, रामायण में हमारे पास एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है रावण, ठीक है। आज के केस में कोरोना इज लाइक अ रावण फॉर अस, यही हमारी हमारे लिए प्रॉब्लम का कारण है। ध्यान से सुनिएगा, वैक्सीन को आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। वैक्सीन क्या है और इसे हमारी जान लेने को उतारू है, इसे ही हमें खत्म करना है। अच्छा आप सुनिए जरा, इस रावण को मारेगा कौन, है ना, समझिए। माइथोलॉजी के हिसाब से रावण को किसने मारा था, राम ने। राम देखिए, रावण आसानी से नहीं मर सकता था, उसको वरदान था। आपको पता है कि रावण को वरदान था, 10-10 सिर थे, रावण आसानी से नहीं मर सकता, उसको मारेगा राम। लेकिन राम जी ने रावण को कैसे मारा, जब रावण की कमजोरियां पता लगी, रावण की कमजोरियां बताई विभीषण ने। आप जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको समझ में आएगा कि वैक्सीन काम कैसे करती है। तो ध्यान से सुनिएगा, रावण को मारना था राम जी को, राम जी को रावण की कमजोरियां किसने बताई, विभीषण ने। ये तो आपको सबको पता होगा, माइथोलॉजिकल स्टोरी है, वी ऑल नो। अब मैं आपको बताता हूं कि वैक्सीन क्या है और कोरोना क्या है, राम कौन है, रावण कौन है और विभीषण कौन है, तो समझिए। और इस बात पे ना बहुत सारे मिथ चल रहे हैं, कई लोग क्या सोचते हैं पता है, हां वैक्सीन लगा लेंगे तो वैक्सीन ही तो राम हुई। नहीं साहब, वैक्सीन राम नहीं है, वैक्सीन कोरोना को नहीं मारने वाली, तो वैक्सीन करेगी क्या, तो मैं आपको समझाता हूं। इस पूरे एग्जांपल को याद रखिएगा, अब मैं आपको समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे कुछ लोगों ने, बड़े बड़े नामचीन लोग हैं, ठीक है, पर वो डॉक्टर नहीं है तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन उन्होंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी सेशन में, तो मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं कि वो एक्चुअली क्या है, ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। यहां पर रावण है कोरोना, तो राम कौन है, सरा समझिएगा, रावण है कोरोना, ये जो वैक्सीन है ना ये विभीषण है, ये वैक्सीन बताएगी राम जी को कि रावण को कैसे मारना है। इसका मतलब वैक्सीन खुद नहीं मारने वाली है कोरोना को, मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा, चिंता मत करिए। अगर वो कोरोना है तो वैक्सीन विभीषण है, राम नहीं है, तो मारेगा कौन, WBC, आपकी बॉडी के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, यही यहां वैक्सीन से पता करेंगी कि कोरोना की क्या है कमजोरियां, उसके हिसाब से WBC एंटीबॉडीज डेवलप करेंगी और यही मारेगी। बहुत लोगों को नहीं पता है, हमें कोरोना को मारना है, या ध्यान से देखिएगा, कोरोना की कमजोरियां किसको पता है, वैक्सीन को। कैसे पता, क्योंकि वैक्सीन एक्चुअली कोरोना के, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, कोरोना के पार्ट से ही बनाई जाती है। कैसे, आप हैरान रह जाओगे, मतलब अगर किसी का एंटीवायरस बनाना हो तो वो वायरस के पार्ट से ही बनाया जाता है, वायरस के DNA से, वायरस के RNA से, तो कोरोना से ही वो वैक्सीन बन रही है, और वही वैक्सीन एक्चुअली बताएगी आपकी बॉडी में WBC को, WBC आपकी बॉडी के अंदर होती है, और यही एक्चुअली एंटीबॉडीज बनाएगी जो कि कोरोना को मारेगी। जरा समझिए वैक्सीन काम कैसे करती है, आधे लोगों को तो यही नहीं पता, वैक्सीन कोरोना वायरस को नहीं मारेंगी, वैक्सीन कोरोना वायरस की इंफॉर्मेशन लीक करेंगी आपकी बॉडी के अंदर, किसको, WBC को, WBC में मेमोरी होती है, उसके अंदर वो चीजें स्टोर हो जाएंगी, बाद में यही WBC एंटीवायरस या एंटीबॉडीज जनरेट करेंगी जो कि कोरोना वायरस को मारेंगी। अब बहुत लोगों को नहीं पता, बहुत लोग YouTube ऐसा बोल रहे हैं कि वैक्सीन लगा लोगे तो वैक्सीन के अंदर एंटीबॉडीज होती है, एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में डेवलप होगी, वो कौन डेवलप करेगा, WBC डेवलप करेगा, समझिए WBC डेवलप करेगा, और ये है एक्चुअल में इसके पीछे का प्रोसेस कि एक्चुअल में वैक्सीन काम कैसे करती है।